हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल दी सेलिंग बिस्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। एंड आप जब भी शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी इंकरेजमेंट मिलता है आपके लिए नए नए वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। मेरे चैनल पर एग्जिट एग्जामिनेशन बीजी शिपिंग एग्जिट एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड आंसर नाम का एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पर सारे एग्जामिनेशन के वीडियोस मैंने बना के रखे क्वेश्चन सेट्स के, एंड अपकमिंग वीडियोस भी उसी प्लेलिस्ट में अपडेट करता रहूँगा। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ पैसेंजर शिप सेफ्टी कोर्स बीजी शिपिंग एग्जिट एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड आंसर सेट 1। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 1 है, प्रायर टू सेलिंग द नेम्स एंड जेंडर ऑफ ऑल पर्सन अबोर्ड मस्ट बी पास्ड टू। तो करेक्ट आंसर है सार अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 2, एट वॉट लेटेस्ट टाइम शैल डोर्स, साइड स्कटल्स, गैंगवे डोर्स, कार्गो एंड कूलिंग पोर्ट्स एंड अदर ओपनिंग्स विच आर टू बी केप्ट क्लोज्ड वाटर टाइट एट सी बी क्लोज एट द स्टार्ट ऑफ द वॉयज। तो इसका आंसर है बिफोर लीविंग द पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मस्ट यू बी सर्टिफाइड टू बी अ लाइफ बोट कमांडर। सो इसका आंसर है यस, यू मस्ट अटेंड द कोर्स हेल्ड बाय सर्टिफाइड पर्सनल एंड देन बी सर्टिफाइड बाय नेशनल अथॉरिटीज NMDA, USCG एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन पब्लिक स्पेसेस विथ रिगार्ड टू एमरजेंसी इंफॉर्मेशन फॉर पैसेंजर्स। तो करेक्ट आंसर है एमरजेंसी टेलीफोन अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, All passenger ships are divided into vertical. Answer A, this is fire zones which can be divided from each other with fire doors. If fire start in one zone, all fire doors in front and aft of the fire will be closed from the bridge to stop the smoke and fire from spreading. Question number 6, what is the purpose of watertight door? तो आंसर है दे विल बी क्लोज्ड इफ द शिप गेट्स अ डैमेज ऑन द शिप्स हल एंड टेकिंग इन वाटर। इट विल प्रिवेंट द वाटर टू फिल द होल डेक। इन केस ऑफ फायर दे कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टॉप द फायर एंड स्मोक फ्रॉम डाइवर्ज। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रांसवर्स लैशिंग फॉर व्हीकल शुड मेक एन एंगल विद द डेक ऑफ। सो करेक्ट आंसर है 30। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following would you not find in ship stability booklet? So correct answer is a shell expansion diagram. Question number 9, hydrocarbon vapor are detected in compartment being worked. The correct first action is, so answer is stop operations until normal atmosphere is regained. Question number 10, moving vehicle being loaded or discharged should have their speed regulated by. करेक्ट आंसर है एक्टिव क्रू पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 11, रैम्स फॉर व्हीलचेयर्स शुड हैव मैक्सिमम स्लोप ऑफ। करेक्ट आंसर है 1:20। क्वेश्चन नंबर 12, प्रायर टू यूज बाय व्हीकल्स रैम्प मस्ट बी। आंसर है फ्री ऑफ ऑयल। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्चार्ज ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स should only commence when. Answer A, liaison with the shore is established. Question number 14, in which ship shall fire hoses be connected to hydrant in interior locations at all times as per SOLAS chapter 2-2 by 4.7.1. The correct answer A, passenger ships carrying more than 36 passengers. Question number 15, prior to crew working in a compartment, it should be tested and found to have the following carbon monoxide ppm concentration. So correct answer is below 50. Question number 16, where in the passenger ship is furniture due to fire protection to be kept to a minimum as per SOLAS chapter 2-2/34.6. Answer is in stairways and corridors. Question number 17, during which time
may watertight doors in watertight bulkhead in twin deck cargo spaces be kept open in passenger ships? The correct answer is in ports only. Question number 18. How often shall drill for the operation of watertight door, side scuttle, valves and closing mechanism of scuppers, ash chutes and rubbish chutes take place in passenger ship? So answer is weekly. Question number 19. How many life jackets shall it be in passenger cabin? The correct answer is same number as beds in the cabin. Question number 20. Which international code are regulating what safety equipment a passenger ship must have on board? The correct answer is SOLAS. Question number 21. Passenger ships engaged in international voyage must conduct a muster of all passengers. What is the time limit for this exercise? The correct answer is 24 hours. Question number 22. If some of the passengers are disabled, that is using wheelchair, cane, blind, etc., what precautions should the crew take? The correct answer is all passengers that will require some form of assistance in case of evacuation, etc., must be registered so there can be sent crew to assist them if needed. Question number 23. On most passenger ferries, there is no requirement regarding passenger muster exercise. What is the most effective way of informing embarking passenger? The correct answer is information about muster station on boarding card, poster in cabin, safety video running continuous. Question number 24. If the general alarm / fire alarm are sounding and evacuation is required, what is the best way to ensure that all passengers are aware of the situation? The correct answer is public announcement system to be used for informing. The cabin attendants should proceed to their cabin section and search all cabins. If the area is inaccessible, report to their superiors. Now the last question. Worn or damaged seals that cannot be replaced immediately should be inspected. Answer A. Constantly. So guys, thank you for watching this video. Video ko share and subscribe zarur kijiye taki baki logon ko bhi iske help ho jaye. And channel ko bhi subscribe karna na bhuliye taki main aise aapke liye naye naye videos upload karta rahu and aapko bhi notification milta rahe, isliye bell icon ko bhi click karna na bhuliye. Thank you very much and best of luck for the examination.